आप रहते कलयुग में हो और पालन करते हो सत्ययुग का, कलयुग को ये बात अच्छी लगेगी? नहीं लग सकती। तो कलयुग क्या करता, अब वो आप पर कुछ प्रहार तो कर नहीं सकता, तो वो क्या करता है, कलयुग का पालन करने वाले लोगों को सुंदर बना करके, सुखी बना करके आपको दिखाता है। कलयुग देख, मांस खाने वाला, मदिरा पीने वाला, उल्टे सीधे काम करने, देख कितना सुखी घूम रहा है, और तू देख राम राम जपता है फिर भी कितना दुखी है। आपके मन में संशय प्रकट होता है, और ये संशय कौन प्रकट करवाता है? कलयुग ही करवाता है, क्योंकि वो आपको छेड़ नहीं सकता, आपसे कुछ कह नहीं सकता, इसलिए वो उन लोगों को सुखी दिखाता है। वो है नहीं सुखी, महादुखी है वो लोग, पर आपको ऐसा दिखवाता है कि देखो मेरे नियमों का पालन करने वाले कितने सुखी, और तुम सबरे सत्युग त्रेता द्वापर का पालन करते हो कितने दुखी हो। और इसी प्रभाव में आकर के कई लोग नाम जप छोड़ देते हैं, कई लोग भक्ति पथ छोड़ देते हैं, कई लोग कथा साधन छोड़ देते हैं। क्यों? वो ज्यादा सुखी है, हम भी करके देख ले तो क्या बुराई। लेकिन भैया विचलित मत हो, कलयुग आपको कितना भी प्रभाव दिखावे, आप अपने पथ का त्याग मत करो, आप अपनी निष्ठा का त्याग मत करो, आप अपने नियम का त्याग मत करो, लगे रहो बस अपने क्रम पर।